हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल देखा एंड थंबनेल देख के क्लियर हो जाता है कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, किस प्रोडक्ट की रिव्यू करने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, तो बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो जो प्रोडक्ट है वो है सॉसकॉफ प्रोफेशनल बोना क्योर कैरेटीन परफेक्ट स्मूथ शैम्पू। एंड जो शैम्पू है ये एक मिसेलर शैम्पू है। मिसेलर का मतलब होता है कि ये स्पेशली हमारे स्कैल्प, हमारे हेयर को क्लीन एंड शाइन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। एंड ये जो शैम्पू है वो स्पेशली अनमैनेजेबल हेयर वालों के लिए है। मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जो शैम्पू है वो जिनके हेयर में ट्रीटमेंट होते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स, वो इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड जिनके हेयर में नहीं है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मेरे हेयर पर किसी भी तरह की केमिकल ट्रीटमेंट नहीं मैंने करवा रखी है। ये जो शैम्पू है वो 250 ml की है एंड इसकी जो प्राइस है, MRP है, वो 1000 rupees है। थोड़ी एक्सपेंसिव है। बात करते हैं इस शैम्पू के क्लेम्स के बारे में। तो ये जो शैम्पू है वो ऐसा क्लेम करती है कि ये जो शैम्पू है वो हमारे हेयर को स्मूथ बनाने वाली है, शाइन प्रोवाइड करने वाली है, फ्रिज फ्री बनाने वाली है, हमारे हेयर को हाइड्रेट करने वाली है एंड हमारे हेयर को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे बहुत सारे क्लेम्स तो करते हैं, बट उनके जो रिजल्ट होते हैं वो उनके क्लेम से मैच नहीं होते कभी कभी। क्लेम्स है वो कितने ऑथेंटिक है एंड रिजल्ट के साथ मैच करते हैं या नहीं, ये हम वीडियो के आगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को, जहाँ मैं करती हूँ यूज़ एंड आपको शो करती हूँ। तो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में एंड आपको मैं दिखाती हूँ बिफोर आफ्टर पिक एंड देखते हैं कि शैम्पू की जो कलर टेक्सचर है वो कैसी है एंड इसकी जो रिजल्ट है वो कैसी है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने बालों को गीला कर लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको शैम्पू ले लेनी है अपने हेयर लेंथ एंड क्वांटिटी के हिसाब से। उसके बाद आपको अपने हैंड पे शैम्पू को थोड़ा रब कर लेना है। उसके बाद आपको अपने हेयर पे इसे अप्लाई करना है एंड अच्छे से लेदर क्रिएट करना है। लेदर क्रिएट हो जाने के बाद आपको 1 से 2 मिनट तक शैम्पू अपने हेयर पे ही रहने देना है। उसके बाद आपको इसे अच्छे से वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। और ये शैम्पू आप डेली यूज़ भी कर सकते हैं, ये डेली यूज़ के लिए भी सूटेबल है। तो अभी आप लोगों ने बिफोर आफ्टर वाली पिक देखी एंड आप देख सकते हैं, आपको उसमें क्लियरली दिखेगा कि मेरे जो हेयर्स थे उसमें शाइन नहीं थे, थोड़ी रफनेस थी। बट इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद मेरे हेयर में थोड़ी मुझे शाइन दिखी है एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगने लगी मेरे हेयर। ये जो शैम्पू है वो काफ़ी अच्छे से लेदर भी क्रिएट करती है और बहुत अच्छे से क्लीन करती है हमारे हेयर को और हमारे हेयर को मैनेजेबल भी बनाती है। बट और अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि इस तरह के शैम्पू जो कि ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, अगर आप उन्हें यूज़ करोगे तो आपके हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे, तो वैसा नहीं होता है। ये आप ध्यान रखें कि ये जो शैम्पू है वो आपके हेयर को मैनेजेबल, स्मूथ, शाइनी बनाएंगी। बट हाँ, ये शैम्पू आपके हेयर को स्ट्रेट नहीं बनाएंगी। आपके हेयर की जो टेक्सचर है, कर्ली है तो वो कर्ली ही रहने वाली है, वेवी है तो वेवी रहेंगी एंड अगर आपके हेयर पहले से स्ट्रेट है तो वो अच्छी दिखने वाली है एंड वो मैनेजेबल हो जाती हैं काफ़ी अच्छे से। सो इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इस शैम्पू की एंड मेरी क्या एक्सपीरियंस रही इसके रिगार्डिंग, वो सब मैंने आपसे शेयर कर लिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट एंड रिव्यूज एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल।